Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कलशी क्लासेस। आज हमारे साथ हैं आयुष सिंह। आयुष ने बैंगलोर से अपना एयरफोर्स का फेज टू क्वालिफाई कर लिया है। आपने अब तक कानपुर और भोपाल के रिव्यू देखे हैं पिछले वीडियोस में। आज हम जो बैंगलोर में प्रोसेस रहा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बैंगलोर में PFT से लेके GDSAT में अगर कुछ चीज़ें जो अलग हुई हैं, जो मुझे मालूम पड़ी है थोड़ी देर पहले बात करते वक्त आयुष से, तो वो जो डिटेल्स हैं हम डिस्कस करेंगे। बैंगलोर में क्या कैसे हुआ सब आपको हम आयुष के द्वारा बताएंगे। तो आयुष, सबसे पहले आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच एयरफोर्स का फेज टू क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच। आयुष आपका बैंगलोर में था, राइट सर? कब था आपका फेज टू? सर 20 जनवरी 20 जनवरी को आपका फेज टू था। यस सर। और आपका जो फेज टू रहा वहाँ पे, हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया कदम ताल में कुछ डिफरेंस था, राइट? यस सर। तो हम शुरू करते हैं सुबह से यार। कितने बजे रिपोर्टिंग हुई पहले, क्या हुआ और क्या डिफरेंस क्या था कदम ताल में एग्जैक्टली? सर रिपोर्टिंग वाज एट 5:30 AM। ओके। हम लोगों ने वहाँ रिपोर्ट किया। फर्स्टली देयर वाज अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ और उसके बाद हमें एंट्री मिली। फिर उसके बाद हमें फॉर्म्स फिलअप करवाए गए और उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली गई होगी, राइट? सर दे आर थरोली चेकिंग आवर फेज वन फेज टू एडमिट कार्ड, एंड आफ्टर दैट सर हमें कदम ताल और जितनी भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जितनी भी चीजें इंक्लूडेड थी, स्क्वाट्स है, सिटअप्स है, पुशअप्स है, वो बहुत ही हार्डली कर किसी के पास यदि उसने वर्कआउट किया, उसने यदि प्री प्लानिंग की थी या फिर प्री वर्कआउट किया था पहले से, यदि उस पर वर्क किया था तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। ओके। लेकिन जैसे जिसने प्रैक्टिस नहीं की है उसको उसके लिए डिफिकल्ट था। यस सर, ये कह सकते हैं क्योंकि। तो आयुष मतलब टोटल कितने लोगों की रिपोर्टिंग थी, कितने लोग प्रेजेंट थे वहाँ पे? सर नियरली अबाउट इन बिटवीन द सर 160 एंड 180 सर। अच्छा, 160 180 के बीच में वहाँ प्रेजेंट थे। यस सर। और कितने ग्रुप बने थे टोटल PFT के टाइम पे? सर PFT सर आई थिंक सो एंड देयर वाज PFT वाज PFT दो जगह हो रही थी सर। ओके। PFT एक मतलब दो पार्ट में डिवाइड था। व्हेन आई सी दैट देयर इज ओनली 2 ग्रुप इन फ्रंट ऑफ मी, और सर उसमें भी 4 बंदों को बार किया था सर। ओके। तो टोटल PFT में सिर्फ 4 लोग आउट हुए सर, मेरे सामने जो ग्रुप था उसमें और नीचे सर। अच्छा, आपके ग्रुप में? यस सर। तो 2 ग्रुप बने थे और आपके ग्रुप में से 4 लोग आउट हुए थे टोटल PFT, मतलब कदम ताल और सब कुछ मिला के। यस सर। कदम ताल के बारे में बता रहे थे मुझे कि बाकी सेंटर्स में जैसा हमने देखा सुना उससे अलग था, तो क्या डिफरेंस था बैंगलोर कदम ताल में? सर कदम ताल में डिफरेंस ये था कि सर कि जो थाइस की पोजीशन होती है सर, कदम ताल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बहुत लोग कुछ AC में जैसे कि भोपाल AC पे या फिर जोधपुर AC पे सब लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया कि रिव्यूज दिए, लेकिन उन लोग का कहना था कि जो थाइस होंगी वो आपके अप टू द योर वेस्ट के ऊपर होंगी। ओके। और वेस्ट के नीचे नहीं जानी चाहिए। यदि जो बंदा वेस्ट के नीचे जा रहा था, मतलब जिसके 7 बज जा रही थी आफ्टर अ सर्टेन टाइम, तो उसको बंदे को बाहर कर रहे थे, एंड दे आर आल्सो गिविंग अ सेकंड चांस टू हिम। ओके। एंड दैट सेकंड चांस वाज क्वाइट हार्ड। उस चांस में एकदम भी मतलब लूज नहीं हो रहे थे उन लोग, और यदि जो बंदा नहीं कर पा रहा तो उसको बाहर कर रहे थे। तो आप ये बैंगलोर को बता रहे हैं कि थाइज आपको अपनी कमर के ऊपर ले जानी है। यस सर। तो ये तो हर जगह था कि आपके जो पैर हैं वो आपको हाथ ऊपर ऐसे रखने हैं। नो सर, दे आर सेइंग दैट होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। अच्छा, बैंगलोर में ऊपर हाथ थे। यस सर। और आप कुछ बता रहे थे आपको कूदना था वहाँ पे, एग्जैक्टली, राइट? यस सर। तो ये कूदने वाला प्रोसेस कदम ताल का क्या था, आप मुझे एक बार डेमो करके दिखाइए जरा। सर सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दैट एंड इफ यू आर होल्डिंग आवर हैंड लाइक दिस, वी हैव टू पुल आवर लेग ऑन। आई एम वीयरिंग दिस जींस सो आई एम वेरी अनकंफर्टेबल व्हाइल डूइंग दिस, सो वी हैव निकालना। एक बार फोन निकाल दो और एक बार करके दिखाओ यार कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था। सो व्हेन वी आर पुलिंग आवर लेग टुवर्ड्स आवर चेस्ट, देन वेयर आवर लेग थाई शुड बी अप टू द वेस्ट, समथिंग लाइक दैट। बट इफ यू डू दिस कंटीन्यूअसली सर, जब भी हम लगातार करते हैं तो ये क्या वेस्ट ये इसकी हाइट डाउन होने लगती है। हर बार आपका पैर उतना ऊपर नहीं उठता है, आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे, आपको 50 कदम ताल करने थे, राइट? उन लोग उसी चीज को वॉच आउट कर रहे थे। लेकिन वो जंपिंग वाला पॉइंट था, आई वुड लाइक एक बार करके दिखाइए आप प्लीज। ओके सर। एक बार जैसे जहां पे एग्जैक्टली किया था आपने कदम ताल वैसा करके दिखाइए मुझे सर, समथिंग लाइक दैट हर टाइम, समथिंग लाइक दैट सर। ओके। तो आपको जंप करना था, मतलब आप खड़े होके सिर्फ वॉक नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाकी जगह पे जैसा बच्चों ने बताया ये जंपिंग वाला पोस्चर सिर्फ बैंगलोर में आपके साथ, राइट? यस सर। ओके। तो कदम ताल ऐसा हुआ और आप कह रहे हैं कुछ थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी था वहाँ पे, राइट? यस सर।
लेकिन फिर भी आउटकम हुए, जिस तरह से आप मुझे बता रहे थे कि कुछ यंग वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स थे काफी यंग थे और थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आपने जैसा बताया कि चार लोग आपके ग्रुप से आउट हुए, है ना, दो ही ग्रुप बने थे, राइट? यस सर, बट जैसे कि सर एसी में बहुत सारी एरियाज थी, तो उस डिफरेंट एरियाज में और भी जो इंस्ट्रक्टर थे वो अलग ले रहे थे, मतलब कि बहुत क्राउडेड क्राउड नहीं, एक ग्रुप में सर मिनिमम 10-15 स्टूडेंट्स थे। अच्छा अच्छा, ऐसे कर रहे थे। तो कदमताल वगैरह मतलब दो ग्रुप से नहीं हुआ, बहुत छोटे छोटे जगहों पे अलग अलग ग्रुप में चल रहा था। यस सर, ओके, बिकॉज दे कैन वॉच थरोली दैट हाउ अ सिंगल सिंगल एस्पिरेंट इज डूइंग। ओके, यस सर। तो चार लोग जो आउट हुए थे वो कितने लोगों में से आउट हुए थे? चार लोग सर, वो 20 लोग में से। अच्छा, आपका 20 लोगों का ग्रुप था। यस सर, 10 चार लोग, दो ग्रुप थे मेरे, एक मेरा ग्रुप था, एक मेरे सामने ग्रुप था। अच्छा, तो उसमें दोनों को मिला के, आप दोनों ग्रुप का मिला के चार लोग आउट हुए। यस सर, नॉट इन द ओनली इन द कदम ताल सर, सब पुशअप्स और स्क्वाट्स ये सब मिला के चार लोग बंदे आउट हुए। ओके, उन 20 लोगों में से। यस सर, ओके। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसे बताया 160 और 180 के बीच में रिपोर्टिंग थी, टोटल फाइनली शाम को कितने लोगों को उन्होंने मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट दिया? I think so sir, near about 110 sir. 110? Yes sir. तो 170 में से 110 लोगों को मेडिकल मिला। Yes sir. तो roughly जो selection का ratio रहा वो similar ही रहा बाकी center से? Yes sir. हालांकि आपको लगा कि they were observing you very very keenly और काफी strictly? I think so that the particular instructor was quite tough in comparison to other instructor. तो एक particular instructor थे, I see. Yes sir. तो आयुष, आपका जो कदमताल तो हो गया, push-ups में भी आपको कुछ difference देखने को मिला? No sir, push-ups was very easy. There was no any much holding and they are only seeing their postures कि हम postures क्या है, body straight है या फिर body के जो legs के जो positions होती हैं वो properly है कि नहीं है। Okay. They are seeing only that. और sit-ups और squats में कुछ difference लगा या जो आपने यहाँ तैयारी की थी same similar हुआ सब कुछ? Sir, that was quite same. Quite same, yes, right? चलिए, तो बड़ी बात यह है कि जैसा कि हम हर वीडियो में बता रहे हैं कि आप लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, अगर थोड़ा बहुत कुछ माइनर चेंज है पोस्चर में तो वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको आप फॉलो करिए तो कोई तकलीफ होगी नहीं, है ना? Sir, the another thing which I want to include in this that the discipline matters in right. Because you are going to become an airman, you are going to join the Indian Air Force, such a reputed job, right? And if you are not in discipline then it is quite a bad thing. थोरोली हर पार्ट में, चाहे वो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 हो, चाहे टेस्ट 2 हो, चाहे आपका पीएफटी का पार्टी क्यों ना हो। तो आयुष, एसआरटी में कैसा एक्सपीरियंस रहा? SRT was very easy. Okay. Because firstly, when the students are for qualifying their after qualifying their physical, they were quite nervous. Okay. So उनको normal लाने के लिए they have many tricks. So they used to do jokes that the कि बंदा जो है आया जो इधर तो वो प्रेशर में ना आए, क्योंकि बिकॉज सर SRT as we know that SRT situation reaction test and in that situation reaction test they are going to check your psychology and उस psychology को बाहर लाने के लिए वो बंदे को नॉर्मल करते थे, तो उस नॉर्मल करने के लिए दे यूज्ड टू डू जोक्स दैट दे गेट कंफर्टेबल इन दैट एरिया। तो काफी कंफर्टेबल आप लोग कर रहे थे वो लोग आफ्टर द, बहुत बढ़िया। तो काफी हेल्पफुल और सपोर्टिव स्टाफ है हमारे इंडियन एयर फोर्स का, हर सेंटर से हमें यही रिपोर्ट मिलती है। तो एसआरटी में से कितने लोग आउट हुए? ओनली वन। ओनली वन? यस सर। जीडी में आपका टॉपिक क्या था? सर माय टॉपिक वाज अबाउट द मिड डे मील। मिड डे मील, यस सर, कॉमन टॉपिक है, डिस्कस हुआ है कई बार, राइट? यस सर। बाकी ग्रुप्स में क्या टॉपिक थे, कुछ आइडिया मिला आपको? यस सर, दैट आवर नेशनल स्पोर्ट्स शुड बी द क्रिकेट और इन और हॉकी। ओके, एज वी नो दैट आवर नेशनल स्पोर्ट्स इज हॉकी, सो दे आर सेइंग दैट क्रिकेट शुड बी आवर नेशनल स्पोर्ट्स आर नॉट। एंड सर देयर आर आल्सो मेनी अदर सोशल टॉपिक्स लाइक दैट अबाउट द सोशल मीडिया, दैट सोशल मीडिया इज अ बून और कर्स फॉर द यंगस्टर, समथिंग लाइक दैट सर। अच्छा, जीडी में आपके ग्रुप से कितने लोग आउट हुए? सर द बेस्ट थिंग इज अबाउट इन माय ग्रुप दैट वी ऑल गेट सिलेक्टेड। आप कितने, 15 लोग थे? यस सर, 15 के 15 सिलेक्ट हो गए आपके ग्रुप से। बिकॉज़ सर द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट एवरीवन द स्टूडेंट्स हु आर इन माय ग्रुप आर फ्रॉम द जनरली फ्रॉम द साउथ एरिया। ओके, एज वी नो दैट दे हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड दे आर वेल गुड इन स्पीकिंग, सो आई थिंक सो दैट इज द रीजन दैट देयर इज नो एनीवन हु गॉट डिस्क्वालीफाइड। राइट, यस सर, राइट। तो आप मुझे इंग्लिश के बारे में बता भी रहे थे कि आपके इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा था? Yes sir, he was a wing commander. He said that I don't want to check that how fluent you speak and that how good knowledge you have of English. I want to only check that you have a sound knowledge of English or not, that you can read any particular passage and you can understand that particular passage and you can speak in your own language. Okay. I want to only check that and you have to be very clear that the sentence you are going to speak is clear or not, that is easily understandable or not. ओके,
तो जैसा कि आप मुझे पहले बता रहे थे, हालांकि आपने जो पहले बताया उससे अभी जो बताया थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, आप मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे उनको ज़्यादा मतलब आपकी बाकी चीज़ों नहीं था, लेकिन वो इंग्लिश की फ्लुएंसी थोड़ा मैटर कर रहा था, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा था कि ट्रेनिंग के टाइम पे सारी इंस्ट्रक्शन आपकी इंग्लिश में होंगी, तो आप लोग को इंग्लिश समझ में आए, इंग्लिश आप बोल सकें, वरना ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपको कही गई थी कि जैसे कि जो लोग हैं वो डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं, कुछ सम आर फ्रॉम द कर्नाटक, सम आर फ्रॉम द पंजाब, बिकॉज एंड दे हैव डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज, सो इंग्लिश इज अ वेरी कॉमन लैंग्वेज थ्रू विच दे कैन कम्युनिकेट। ट्रेनिंग क्योंकि पूरी की पूरी एयरफोर्स में इंग्लिश में ही इम्पार्ट होती है, तो यही एक खास रीजन होता है शायद कि ये लोग जीडी कराते हैं, नेवी और आर्मी में सोल्जर रैंक में जीडी वगैरह नहीं होती, बट आई गेस क्योंकि एयरफोर्स की ट्रेनिंग के दौरान इंग्लिश का काफी रोल है, सारी इंस्ट्रक्शन सारी ट्रेनिंग इंग्लिश में होती है, तो दे वॉन्ट पीपल की जो भी इंग्लिश समझ सकें बोल सकें, राइट। तो जीडी में आपके ग्रुप से कोई आउट हुआ नहीं? नो सर। टोटल कितने आउट हुए होंगे टोटल जीडी में से? सर नियर अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स व्हिच हैड बीन आउट इन द होल फेज 2 इज मोस्टली फ्रॉम द जीडी राउंड। फ्रॉम जीडी ओनली? यस सर। चलिए बढ़िया है। तो आयुष आपका मेडिकल कब है? सर माय मेडिकल इज ऑन विल बी ऑन द 15 मार्च। 15 फेब। कहां पे मेडिकल आपका? बेंगलोर में ही है। यस सर। बढ़िया। तो आयुष आपने वाई ग्रुप के लिए क्वालिफाई करे, कितने मार्क्स आपके वाई ग्रुप में? 32.5 मार्क्स हैं आपके। आपका और कट ऑफ इस बार 29.25 है। यस सर। यू आर 3 मार्क्स अबव। 3.25 सर। 3.25 मार्क्स अबव, व्हिच इज गुड इनफ। यस सर। तो आयुष बहुत बढ़िया, आपको आपके मेडिकल के लिए बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। एंड रिटर्न एग्जाम की अगर हम बात थोड़ी सी करें, चलिए आपके हम थोड़ा सा रिटर्न एग्जाम की बात कर लेते हैं। यस सर। तो आपका 12th कब हुआ था दोस्त? सर 2019 सर, आई डन माय 12th इन 2019 विद पीसीएम स्ट्रीम। कहां से किया था आपने, कहां से आप बेसिकली? सर मैं बेसिकली माय होम टाउन इज ऑन इन बलिया, बट आई यूज्ड टू लिव इन जौनपुर। अच्छा। एंड सर पढ़ाई आपकी जौनपुर से हुई है? यस सर। ओके, तो 12th आपका 2019 में हुआ था। यस सर। और आपने एमकेसी कब ज्वाइन किया था? सर एमकेसी सर मैंने 2019 में ज्वाइन किया था। सर आई हैड गिवन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन सितंबर 2019 और 24 सितंबर and I got disqualified in my very first attempt because I was below less than preparation was not strong thi nahi. Yes sir, I don't have much idea about the exam. Right. So aapne x aur y dono ke liye apply kiya tha ya sirf y ke liye? Sir my focus is mainly on the y group sir. Y group? Yes sir. Aapne pcm se 12th kiya, right? Yes sir. To aap x ke liye kyun try nahi karte, koi khas reason? Yes sir, I have the very most important reason that I had listened about my relatives also, my some of my relatives in the forces, and they told that in the non technical group you get many chances to study for to get the commission rank. Okay. That so, is CDSR FCAT. आप आगे का फ्यूचर का स्ट्रेटजी बना के आपने कि आपको पढ़ेंगे, पढ़ने का टाइम मिलेगा ऑफिसर रैंक के लिए, इसलिए आपने वाई ग्रुप चूज किया। तो आपने फोकस वाई ग्रुप में ही किया 2019 में भी और इस एग्जाम में भी। चलो बहुत बढ़िया आयुष, आपने क्वालिफाई किया इस बार, तो पेपर भी टफ था रीजनिंग का और इसलिए कट ऑफ भी काफी कम रहा, तो बट आपने बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया, तो आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। सर द वन थिंग विच आई वॉन्ट टू एड फॉर द फेज 1 दैट इट इज नॉट अ बिग टास्क to crack this exam. You just need only proper guidance that which I got over here, which I got in the MKC. And the other thing that is you should only focus on your toward your goal. You should not focus on any other things that no one can distract you from your goal. कि कोई आपको आपके लक्ष्य से दूर ना करे, वो आपको वो ऐसी चीजों में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान केंद्रित रखना है। जैसे कि सौरभ सर हमेशा बताते रहते हैं कि अपने गोल पे फोकस करिए, बाकी चीजों पे ज्यादा आप अपना दिमाग और टाइम वेस्ट मत करिए, और अगर ऐसा करेंगे आप तो आप गोल अपना पक्का अचीव करेंगे। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया सीख है सभी बच्चों के लिए। तो चलिए इसी नोट पे आयुष हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। आपको वंस अगेन बहुत सारा कांग्रेचुलेशन और बहुत सारा गुड लक फॉर योर फ्यूचर विद इंडियन एयरफोर्स। थैंक यू सर। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।